चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। चूचू का आस पड़ोस रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह थी। वहाँ बहुत सारे बच्चे रहते थे। कसली नाम का एक लड़का भी वहीं पड़ोस में रहता था। एक सुबह कसली की माँ ने उसे चूमते हुए जगाया। गुड मॉर्निंग कसली मेरे बच्चे, तुम्हारे उठने का टाइम हो गया है। ओ मॉम, आज तो इतवार का दिन है, क्या मैं थोड़ी देर और सो सकता हूँ प्लीज? हाँ तुम सो सकते हो, पर क्या तुम उठकर तैयार नहीं होना चाहते? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, याद आया? ओ हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। मैं तो भूल ही गया था। जन्मदिन मुबारक हो मेरे बच्चे। शुक्रिया मॉम। तो तुम आज क्या करना चाहते हो कसली? क्या अपनी जन्मदिन की पार्टी पर अपनी दोस्तों को बुलाना चाहते हो? हाँ, मैं अपने सब दोस्तों को लंच पर बुलाऊंगा, बहुत मजा आएगा। हम मंगा सकते हैं पिज्जाज और साथ ही एक बड़ा चॉकलेट केक, और मैं बनाऊंगा अपना पसंदीदा ब्रोकली सूप अपने दोस्तों के लिए। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है, तो आज हम वही करेंगे जो तुम्हें पसंद है। कसली जल्दी से तैयार हो गया। उसने नए कपड़े पहन लिए। कसली की माँ ने उसके दोस्तों को भी बुला लिया। उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया और लाजवाब चॉकलेट बर्थडे केक भी। वहीं कसली एक एप्रन पहनकर अपना पसंदीदा ब्रोकली सूप बनाने में लग गया। मक्खन, ताजा ब्रोकली, क्रीम, बहुत ही जल्द सूप तैयार था और कसली भी तैयार था अपनी बर्थडे पार्टी के लिए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कसली के दोस्त तोहफों के साथ आए थे। जन्मदिन मुबारक हो कसली। फिर कसली की मॉम ने सभी बच्चों को बुलाया कसली का बर्थडे केक काटने के लिए। चलो आओ बच्चों, कसली के लिए गाना गाएं और कसली काटेगा जन्मदिन का केक। Happy birthday to you. Happy birthday. सबका शुक्रिया। कसली की माँ ने फिर सभी बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाया। चलो आओ बच्चों, अब तुम्हें भूख लग रही होगी, तो चलो कुछ खाते हैं। कसली चाहता था कि सभी उसका ब्रोकली सूप भी चखें। सब सुनिए, मैंने बनाया है अपना पसंदीदा ब्रोकली सूप सबके लिए। चख कर देखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बहुत भूख लग रही है कसली, पर मैं सूप छोड़कर पिज्जा और केक खाना चाहता हूँ। जरा चखो तो चाचा, ये स्वादिष्ट है, मुझे पता है तुम्हें पसंद आएगा। नहीं कसली, मुझे बस चाहिए पिज्जा और केक। नहीं। चाचा का हाथ गलती से सूप के कटोरे पे लग गया। थोड़ा सूप उसमें से गिर भी गया। कसली को बहुत गुस्सा आ गया। देखो तो तुमने क्या किया चाचा, तुमने सूप गिरा दिया। अब मैं तुम्हें कोई पिज्जा या केक नहीं देने वाला हूँ। हाँ,
मुझे माफ कर दो कसली, मैं सूप नहीं गिराना चाहता था, इसे मैं साफ कर देता हूँ। ओ नहीं, बिल्कुल नहीं। जब चूचू ने देखा कि कसली चाचा को डांट रहा है तो वो बोली, कसली ये गलती से हो गया, तुम ठीक नहीं कर रहे। तुम्हें याद है पिछले हफ्ते क्या हुआ था? तुम एक मेंढक के साथ खेल रहे थे और तुम्हारी गलती की वजह से उसके पैर में चोट लग गई। ओहो, अब मुझे घर जाना चाहिए, मैंने मेंढक को चोट पहुंचाई। हाँ, तुम बिना मेंढक की मदद किए वहाँ से चले गए थे, पर चाचा और मैं उस मेंढक की मदद करके उसे तालाब तक ले गए। तुमने बुरा बर्ताव किया था कसली, तुम वहाँ से भाग गए बिना उसकी मदद किए, पर हमने तुम्हारी गलती को भुला दिया और तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर आ गए। हमने भी तो तुम्हें माफ कर दिया ना? हाँ। तुम्हें पता है चाचा से भूल से ये कटोरा पलट गया, ये सफाई में तुम्हारी मदद करना चाहता था, इसने बिल्कुल ठीक किया कसली। मेरे हिसाब से तुम्हें चाचा के साथ सही बर्ताव करना चाहिए और उसे माफ करना चाहिए। तुमने सही कहा चूचू, मुझे माफ कर दो चाचा। मुझे भी माफ कर दो, मुझसे गलती से ये सूप गिर गया। कसली और चाचा ने हाथ मिलाया। कसली ने फिर चाचा को एक बड़ी सी पिज्जा की स्लाइस भी दी और एक बड़ा सा पीस अपने बर्थडे केक का भी। ये तुम्हारे लिए है चाचा, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ करने के लिए शुक्रिया। दोस्ती तो होती ही है माफ करने और भूल जाने के लिए, ये हमेशा याद रखना। चाचा ने फिर कसली को सरप्राइज कर दिया उसके हाथ का बनाया हुआ ब्रोकली सूप मांगकर। कसली, मैं थोड़ा सा ब्रोकली सूप लेना चाहता हूँ जो तुमने बनाया है, मुझे विश्वास है वो बहुत बढ़िया होगा। मैं तुम्हारे लिए अभी सूप लेकर आता हूँ। चाचा को ब्रोकली सूप पीकर अच्छा लगा। सूप तो बहुत बढ़िया है, तुम तो बहुत ही अच्छे कुक हो कसली। शुक्रिया चाचा। सभी ने कसली की पार्टी में खूब मजे किए। आज हम सबको बहुत मजा आया और हमने सीखा कि हमें दोस्तों को हमेशा माफ कर देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। चूचू सही कह रही थी, दोस्ती का नाम ही है माफ कर देना और गलती भुला देना। कसली एक छोटा लालची बच्चा था, उसे हमेशा अपनी पसंद की चीजें ज्यादा चाहिए होती थी। मॉम, मुझे चाहिए कुछ कॉटन कैंडी। पर तुम्हारे पास पहले से ही कुछ है कसली। हाँ, पर मुझे और भी चाहिए। एक दिन चूचू की मम्मी ने सभी बच्चों को आइसक्रीम खाने के लिए बुलाया। कसली, चूचू की मम्मी ने तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए बुलाया है, उम्मीद है तुम तमीज से पेश आओगे और अच्छे से रहोगे। फिक्र मत कीजिए मॉम। बच्चों, तुम अपनी पसंद की आइसक्रीम का स्कूप ले सकते हो, तो जो भी स्वाद तुम्हें अच्छा लगता है उसे चुन लो। सभी बच्चे बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे, उन सभी ने अपनी अपनी पसंदीदा आइसक्रीम चुन ली। मुझे चाहिए एक स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम का। मुझे वनेला का एक स्कूप चाहिए। एक स्कूप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का मेरे लिए।
बटरस्कॉच का। चूचू, चाचा, चीका और चीकू बहुत अच्छे से पेश आए। उन सभी ने अपनी पसंद की आइसक्रीम चुन ली। पर जब कसली की बारी आई तो वो बहुत लालची हो गया। मुझे चाहिए चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच। मुझे चाहिए सबका एक एक स्कूप। मुझे आइसक्रीम के 4 स्कूप चाहिए। हाँ? आइसक्रीम की दुकान पर खड़े आदमी ने कसली को आइसक्रीम के 4 स्कूप्स दिए। उसने एक के ऊपर एक 4 स्कूप रख दिए। ये देखकर कसली बहुत खुश हुआ कि उसके पास 4 स्कूप्स हैं। चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी और बटरस्कॉच। मैं इन सबको खाऊंगा। पर जैसे ही कसली आइसक्रीम खाने वाला था, सारे 4 स्कूप हिलने लगे और फिर जमीन पर जा गिरे। अरे नहीं! कसली के पास रह गया बस एक खाली आइसक्रीम कोन। ओह नहीं, मेरी आइसक्रीम फर्श पर गिर गई है। कसली, तुम्हें इतना लालची नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए एक स्कूप ही काफी था आइसक्रीम का। कसली ने सोचा कितना अच्छा होता अगर उसने लालच नहीं किया होता। मैंने अपनी सारी आइसक्रीम्स गिरा दी। अब मेरे कोन में एक भी आइसक्रीम स्कूप नहीं बचा। चूचू की मम्मी बहुत बड़े दिल की थी। उन्होंने कसली को एक और आइसक्रीम दिला दी। कसली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें और आइसक्रीम दिला दूंगी। मुझे सिर्फ एक स्कूप चाहिए चॉकलेट आइसक्रीम का, प्लीज। सिर्फ एक स्कूप। चूंकि कसली ने इस बार लालच नहीं की, इसलिए उसने आइसक्रीम की हर बाइट को मजे से खाया।